आपका गवर्नमेंट जॉब्स चैनल में स्वागत है। जॉब्स एडमिट कार्ड रिजल्ट एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपको TNPSC वेटरनरी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में जानकारी देंगे। तो आप सब कैसे TNPSC वेटरनरी असिस्टेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होंगी, क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होंगी, तो स्टूडेंट आपकी क्या एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, एप्लीकेशंस कैटेगरी वाइज फ़ीस कितनी होगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो ऐसी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के माध्यम से एंड तक बने रहें। पूरी जानकारी के लिए हम आपको लेके चलते हैं वेबसाइट पे gayatrijobs.com पे। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा तमिलनाडु पब्लिक सर्विस जो TNPSC PSC वेटरनरी असिस्टेंट जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो उनके एप्लीकेशन फॉर्म 1141 वैकेंसीज वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन पोस्टेस के लिए जारी कर दिए गए हैं। तो आप सब कैसे इस पोस्टेस के लिए अप्लाई करेंगे, तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमने वेबसाइट पे प्रोवाइड कराई है। असिस्टेंट जॉब से जुड़ी डिपार्टमेंट का नाम तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन है, पोस्ट का नाम वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन है एंड वैकेंसीज 1141 वैकेंसीज है। एलिजिबिलिटी जो BVSC डिग्री नाउ BVSC एंड AH एंड एग्जाम डेट 23 फरवरी 2020 है। एप्लीकेशन सबमिशन जो लास्ट डेट है 19 दिसंबर है, तो आप इससे पहले इसकी वैकेंसीज के लिए अप्लाई करें। जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होंगी, स्टूडेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड क्वालिफिकेशन IE डिग्री अवार्डेड बाय एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन BVSC डिग्री एंड स्टूडेंट मस्ट हैव पास तमिल एंड एज वन ऑफ द लैंग्वेज इन हायर सेकेंडरी पब्लिक एग्जामिनेशन। एंड इस तरह से जो इसकी एप्लीकेशन फीस है, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एज पर लेटेस्ट ऑफिशियल न्यूज़ डिपार्टमेंट विल सेलेक्ट द ब्रिलियंट एंड हार्ड वर्किंग ऑन द बेस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन पार्ट फर्स्ट में सेकेंड ओरल टेस्ट इन द शेप ऑफ इंटरव्यू। एप्लीकेशन जो कैटेगरी है, एज जो लिमिटेशंस हैं, ऐसी कैटेगरीज हमने यहाँ प्रोवाइड कराई हैं, जो उसकी एज लिमिटेशंस है नो एज लिमिट एंड शुड हैव कंप्लीट 30 ईयर्स से कम होनी चाहिए एज। पे फीस एग्जामिनेशन फी 200 रुपीज़ है ओनली एंड आप जो उसकी पेमेंट है वो नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। मैथड जो होगा अप्लाई ऑनलाइन का असिस्टेंट रिक्रूटमेंट का, वो अप्लाई करने के लिए हमने आपको अप्लाई हेयर का लिंक दिया है ऑनलाइन, आप इस लिंक को ओपन करके इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे। नोटिफिकेशंस भी हैं चेक करने के लिए, तो आप नोटिफिकेशंस की PDF को ऑन करके आप इसकी पूरे नोटिफिकेशंस को चेक करेंगे। इसके साथ साथ आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।